दिस इज माई वर्लपूल 9.5 kg फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। तो देखिए, इसमें ये पानी के लिए एक पाइप गया हुआ है। जब भी हम इस वॉशिंग मशीन को ऑन करेंगे तो हमेशा उससे पहले हमें टैप ऑन कर देनी है। उसके बाद हम यहाँ से इसको ऑन करके, ये देखिए अब हमारी मशीन ऑन हो गई है। तो हम यहाँ पे हमारे बटन है पावर प्रोग्राम, ये हमारा पावर का बटन है। यहाँ से हम इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम में हम यहाँ पे हमारे फीचर्स दिए हुए हैं, डेली वॉश, P1, P2 हैवी वॉश, P3 डेलिकेट वॉश, P4 वाइट वॉश। तो ये हमारे यहाँ पे फीचर्स हैं। यहाँ से हम अपना कोई भी फीचर प्रोग्राम से सेलेक्ट कर सकते हैं, P1, P2। उसके बाद हमें जिस भी प्रोग्राम पे धोना है उसके बाद हम उसे स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा टाइम आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी फीचर हम सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा हॉट वॉश है, वार्म, हॉट, एलर्जन फ्री। हमें जिस भी फीचर्स पे मतलब वो धोने हैं अपने क्लॉथ्स, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस वॉश है, यहाँ पे ड्राई है, ये जेंटल, नॉर्मल, एक्स्ट्रा, पावर ड्राई, ये हमारा हमेशा जेंटल पे रहेगा। आप कर सकते हो इसे नॉर्मल पे भी। अब मैं आपको ये यूज़ करके दिखाती हूँ। मैं तो पहले अपने कपड़े इसमें डाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें अपने सारे कपड़े इसमें डाल दिए हैं धुलने के लिए। इसके बाद मैं इसे स्टार्ट करूँगी। ये पावर से हमारा स्टार्ट हुई। ये देखिए, अब मैं प्रोग्राम सिलेक्ट करूँगी, मेरे डेली वॉश है तो हमारा P1 सिलेक्टेड है। इसके बाद मैं इसको स्टार्ट कर दूँगी। अब देखिए, ये डिटर्जेंट के लिए खुद अपने आप बोलेगी तब हमें इसमें डालना है डिटर्जेंट। इसके लिए हम अगर हमारी मशीन टॉप लोड है तो हमें हमेशा टॉप लोड का ही इस्तेमाल करना है इसमें लिक्विड। अब देखिए, इसमें आ गया ऐड 1 कप। ओके, तो हम इसमें अगर हम चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, और हमें यहाँ से भी है तो हम यहाँ से भी डाल सकते हैं। ये हमने बंद कर दिया, ये हमारी अब ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमें खुद अपना सारा काम खुद करके देगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।